नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। कल जब हम बंद हुए थे तो आप देखोगे कि जितने भी इंडेक्स हैं 2% कॉमन था कल के सभी। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स की बात करें और वही मिड कैप ने परफॉर्म किया था, 1.67% के पॉजिटिव रहा था। और क्लोजिंग हुई थी निफ्टी की, बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग हुई थी कल के दिन, 15,245 के आसपास, बिल्कुल अपने हाई के ऊपर, हाई के पास क्लोजिंग थी, जो एक इंपॉर्टेंट था। लेकिन जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं आप देखोगे तो एसजेक्ट निफ्टी अगेन 15,080 के आसपास आ चुका है। ऊपर के लेवल से करीबन 215 पॉइंट की इसमें गिरावट नज़र आ रही है। वहीं बात करोगे आप निकाई की, बात करोगे जापान के मार्केट में, उसमें 470 पॉइंट के डाउन है। वहीं बाकी जो ग्लोबल मार्केट है आप सभी में देखो गिरावट है। कल के दिन डाउ जोन की बात करोगे उसमें भी गिरावट है, नैसडेक की बात करो वो भी 2.5% के आसपास, उससे भी ज़्यादा ही उसमें गिरावट थी। इसका मेन रीज़न क्या है कि ग्लोबल मार्केट कल के दिन काफ़ी सुस्त थे हमारे ट्रेडिंग होने के बाद भी। इसका एक ही रीज़न है जो बहुत टाइम से आप सभी का शेयर कर रहा हूँ, गोल्ड, ये यूएस बॉन्ड बढ़ते जा रहा है, उसी के वजह से हम सभी को ये चीज़ें ग्लोबल मार्केट में दिख रही है। जैसे जैसे अगर ये और बढ़ता है तो हमें कुछ चीज़ें और भी इस तरह से लाल लाल हमें होते हुए नजर आएंगे। अगर ये चीज़ें स्टेबल, गोल्ड जो ये बॉन्ड है, यूएस बॉन्ड, ये स्टेबल होता है या फिर गिरता भी है फिर स्टेबल भी हो जाता है तो आपको कुछ रैली दिखेंगे, रिलीफ रैली तो दिखेंगे। अदरवाइज हमें कुछ बीच बीच में ऐसे जो हिकअप्स हैं जैसे आज आपको दिख रहा है ऐसे आपको दिखते रहेंगे। आज का क्या एक्सपेक्टेशन कि आज तो हमें पूरा मार्केट बता रहा है, पूरा ग्लोबल मार्केट बता रहा है कि आज जो शुरुआत हो गई थोड़ा सुस्त हो सकते हैं, तो इसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। बट यहाँ से अभी सेल ऑन राइज का मार्केट नहीं है, अभी बाय ऑन डिप्स का चल रहा है। सो देखते हैं इन पॉइंट कैसा रिएक्ट करता है मार्केट। इंपॉर्टेंट जो रहने वाला हुआ है 15,000 का सपोर्ट। जी हाँ, 15,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है जो साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको 14,900 के लेवल आते हुए दिखेंगे, तो इम्पॉर्टेंट रहेंगी ये दो चीज़ें। ऊपर की तरफ आपको बता दिया कि जब क्लोजिंग, अगर ये नीचे आज पहले तो गैप डाउन आज होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी, उसके बाद प्रीवियस हाई वही है सबसे पहले रेजिस्टेंस, और उसके बाद देखते हैं फिर कैसे ये रिएक्ट करता है। तो नज़र रहेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस आज के दिन हमारे पास है हमारे वहाँ एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के हिसाब से भी काफ़ी ड्रामा होना तो बनता ही है। और जिस वक्त ये वीडियो बना रहे आप देखोगे तो क्रूड ऑयल में आज 1% से आसपास जंप है, लेकिन बाकी जिन्हें नेचुरल गैस बोल लो उसमें भी गिरावट है। गोल्ड की बात करें आप देखोगे 1.27 यानी 577 पॉइंट डाउन है, जो अब गोल्ड आ चुका है 44 की कैटी लाइन में आ चुका है। कुछ दिनों पहले से धीरे धीरे अपने सारे सपोर्ट तोड़ते हुए नीचे को आ रहा है, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सिल्वर की बात करें आप देखोगे 2% से ज़्यादा इसमें गिरावट यहाँ भी दिख रही है, यानी कमोडिटी मार्केट भी बिल्कुल फ्लैट है। और आप देखोगे करेंसी मार्केट आप यहाँ देख पाओगे तो सारे के सारे जितने भी ये करेंसी हैं लाल निशान में आपको दिख रहे हैं। तो आपको ये चीज़ ये बता रही कि आज पूरा जो सेंटिमेंट है, जो मूड माहौल बना है वो थोड़ा सुस्ती का है, तो इसलिए सावधानी से आज रहना है। और कल के दिन जो FIs और DIs का आंकड़ा आया है आप देखोगे 3 मार्च को, यानी पहली लाइन पे उन FIs की तरफ से 2,000 करोड़ से ऊपर की खरीदारी हुई है। वहीं कल दोनों ने एक साथ पहली बार हाथ मिलाया है, DIs ने भी कल 392 CR का परचेस किया है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आज के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या रीज़न थे उसके पीछे जब कल जो दो दिन भागा था मार्केट, तो कौन से ऐसे सेक्टर थे आप देखोगे, द बाइंग इन बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, IT, मेटल एंड फार्मा स्टॉक्स, ये तो मेजर थे ही, जो ये वो सेक्टर थे जो मार्केट को ऊपर लेके गए। लेकिन उनके पीछे एक और था, एक तगड़ा मोटा हाथी शेयर जिसे कहते हैं रिलायंस, अकेले 4% ऊपर था, उसी की वजह से निफ्टी को बहुत दूर खींच के लेके गया। नेक्स्ट बात करें आज किन शेयरों में खबर है, सबसे पहले इंडियन बैंक क्रिसिल की अगर बात करें, क्रिसिल की जो ये इसकी जो इस बैंक की जो टायर 1 और टायर 2 जो है, टियर 1 और टियर 2 के जो भी ब्रांचेस हैं उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड रेटिंग टू स्टेबल कर दिया फ्रॉम नेगेटिव, तो जो इनके रेटिंग है उसको नेगेटिव से स्टेबल किया, तो एक इस बैंक के लिए पॉजिटिव खबर है। दूसरी इरकॉन का है, जो इंटरनेशनल का जो OFS गवर्नमेंट लेके आ रही है, 16% सेल कर रही है, टोटल 16% सेल कर रही है, जो कल था नॉन रिटेलर के लिए और आज रिटेलर के लिए ओपन हो जाएगा, ऑफर सेल फ्रॉम मार्च 4। जी हाँ, तो आप चाहे तो इसमें, अगर आपको पसंद है ये सेक्टर और ये शेयर, तो आप इसमें अपना डिसीजन बना सकते हैं। VST ट्रिलर जो ट्रैक्टर्स हैं इसमें आ रखा है, द कंपनी विल इन्वेस्ट 1.5 मिलियन इन जिमिनो INC, तो एक इसमें न्यूज़ है। और IRCTC के ऊपर न्यूज़ है कि द कंपनी विल ऑपरेट ट्रिप थ्रू ये गोल्डन, जो ये इनकी जो साइट है
इससे भी आप जितने भी हम सभी के जो ट्रिप होंगे, जितने भी मैनेजमेंट ट्रिप के रिगार्डिंग होंगे, वो इस साइट के थ्रू कर सकते हैं फ्रॉम मार्च 14। तो अगेन इसके ऊपर भी एक न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ निकल के आ गया, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी SBI जो का जो म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड की इस कंपनी में खरीदारी थी, तो उन्होंने अपने स्टेक को कल कम किया है। आप देखोगे रिड्यूस स्टेक इन द कंपनी 6.13 फ्रॉम 7.12 इन वाया ओपन मार्केट सेल। तो इसमें उन्होंने अपने जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो उसकी वजह से इस शेयर में आपको कुछ हलचल नजर आएगी। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है, अडानी पोर्ट ने एक्वायर किया 31.5% स्टेक इन गंगावरण पोर्ट। आप देखोगे और कितने में, 1954 CR में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है आज के लिए, खबर में भी आपको हलचल आते हुए नजर आएगी। वहीं बात करें तो मैरिको आप सभी जानते हैं, मैरिको ने डिक्लेयर किया इंटरिम डिविडेंड ऑफ 4.50 पर शेयर। तो इसके ऊपर भी आज के दिन आपकी नज़र रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो उसका पार्ट बन सकते हैं और उसमें हम काफ़ी कुछ एडिशनल चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपके सामने बटन है, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू सो मच।